हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं यामाहा MT-15 के बारे में। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे इस बाइक के रिगार्डिंग बताने के लिए, तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपको इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएगी। और इसमें मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ ये सारे ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि बाइक ख़राब हो जाती है या आपको नहीं परचेस करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद है कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको क्या क्या इस बाइक में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, प्रैक्टिकल इशूज़ अगर आप इस बाइक को जब परचेस करेंगे। तो अगर ये सब आपको मैटर नहीं करता है तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। तो आप इसे पूरा देख लें जिससे कि आपकी जितनी भी डाउट्स है इस बाइक को लेकर वो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखा जाए फ्रेंड्स तो काफी लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ रहे थे इस बाइक के रिगार्डिंग। तो आज आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मैं माइलेज वगैरह आपको सब कुछ बताऊंगा और जो दो तीन मुझे प्रैक्टिकल इशूज इस बाइक के साथ हुए हैं वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो अभी जो आपको इसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है वो आपको लगभग में 1,67,000 से 70,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको इसका प्राइस जो है वो पे करना पड़ता है ऑन रोड। अगर हम बात कर लेते हैं इतने प्राइजेस पे करने के बाद भी तो कंपनी फीचर्स काफ़ी अच्छा ऑफर कर रही है इसमें। आपको इंजन वगैरह जो है वो काफ़ी रिफाइंड मिल जाता है, इंजन वगैरह में कोई भी इशू नहीं है, राइडिंग वगैरह में कोई भी इशू नहीं है। दो तीन जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है फ्रेंड्स इसका सीट का लेंथ और सीट की कुशनिंग। तो अगर आप एज अ राइडर देखते हैं तो इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप एज अ पिलियन अगर सोचते हैं, मतलब अगर आपको पीछे किसी पिलियन को बैठाना है, आपकी मदर सिस्टर या कोई भी अगर आपको किसी को भी पीछे बैठाना है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इवन अगर आप भी खुद पर्सनली कभी अगर आप पीछे बैठ के अगर ट्रैवल करते हैं, मतलब 60-70 किलोमीटर के लगभग भी अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो रेयर का सीट का जो कुशनिंग है वो एकदम बेकार है। मतलब एक जरा भी आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, बिल्कुल ही पेन आपको होने लगेगा बैठने के बाद, आपको लगेगा कि मैं कहाँ बैठ गया हूँ। तो इसका रेयर का जो सीट का कुशनिंग है वो एकदम भी अच्छा नहीं है। कंपनी ने जो इसका रेयर का सीट जो डिज़ाइन किया है वो इतना शॉर्ट लेंथ है कि इसमें आपको लेंथ भी नहीं मिल पाता है ज़्यादा। मतलब अगर आप एक थोड़े से हेल्दी पर्सन को अगर आप किसी को पीछे बैठाते हैं तो काफ़ी आपको इशू होगा पीछे बैठाने में, उन्हें दिक्कत होगा और ऐसा फील होगा कि लगेगा जैसे वो पीछे गिर जाएंगे। और इसका जो ग्रैब रेल का भी जो पोजिशनिंग है वो साइड में दिया गया है तो पीछे से कुछ सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। तो सबसे मेजर जो पहला इशू आपको देखने को मिलेगा इस बाइक में वो आपको इसके सीट में ही मिलेगा। तो एज अगर आप राइडर हैं, अगर आप सोलो राइड करते हैं, मतलब अगर आप पर्सनली अगर आप अकेले राइड करते हैं तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा इस बाइक में। क्योंकि राइडर का अगर आप कुशनिंग देखते हैं तो ठीक ठाक है, कोई उतना भी ख़राब नहीं है तो कोई उतना भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहला आपको जो इशू देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा आपको इसके सीट की कुशनिंग में और सीट के लेंथ में। काफ़ी लोग जो है वो फ्रेंड्स इसका एक्सटेंडर यूज़ करते हैं जिससे कि सीट का लेंथ बढ़ जाता है, बट उसमें आप सिर्फ सामान कैरी कर सकते हैं। मैं आपका ये जो डाउट है उसे भी क्लियर कर देता हूँ, उसमें सिर्फ सामान ही कैरी कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम उस पर बैठ के ट्रैवल कर लेंगे तो वो उस पर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स उसका जो है वो आयरन का होता है तो उसका कुशनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है उसमें। तो अगर आप बैठते हैं तो इसमें आपको बैक पेन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। बस इसमें आप सामान वगैरह जो है वो बांध सकते हैं अगर आप राइड वगैरह पर जा रहे हैं तो, वहाँ पर ये आपको हेल्प भले कर देगा। बट एज अगर आप इसमें सोचेंगे कि मैं बैठ के ट्रैवल कर लूंगा 50-60 किलोमीटर तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो डाउट था आपका, मैं होप करता हूँ वो क्लियर हो गया हो इसकी सीट को लेंथ को लेकर। अब दूसरा जो इशू मुझे लगता है फ्रेंड्स वो है इसकी कनेक्टिविटी फीचर को लेकर। अगर आप देखते हैं तो आप इसके लिए लगभग 1,70,000 रुपये अगर आप पे कर रहे हैं तो इसमें कंपनी अभी तक आपको कनेक्टिविटी फीचर ऑफर नहीं करती है, जो कि मुझे काफ़ी मतलब नेगेटिव पॉइंट लगता है इस बाइक का। अगर आप किसी के लिए 150 cc की बाइक के लिए अगर आप 1,70,000 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हैं और कंपनी इसमें अगर आपको कनेक्टिविटी फीचर नहीं देती है तो इसका रीज़न क्या है वो मुझे अभी भी नहीं पता है। अगर आप देखते हैं अभी FZS को देखते हैं जिसका कि प्राइसिंग आपको लगभग में 1,25,000 से 1,30,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है, तो उसमें भी कंपनी अब कनेक्टिविटी फीचर ऑफर करने लगी है। तो जिसका कि प्राइसिंग अगर आप देखते हैं तो इससे लगभग 40,000 से 45,000 रुपये कम है। तो कंपनी इसमें कनेक्टिविटी फीचर क्यों अभी तक ऑफर नहीं कर रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंपनी इसमें कनेक्टिविटी फीचर ऑफर कर सकती थी जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है इसके रिगार्डिंग, बट कंपनी अभी भी इसमें कनेक्टिविटी फीचर ऑफर नहीं करती है। और अगर देखा जाए अभी तो कनेक्टिविटी फीचर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, मतलब काफ़ी सारी जो बाइक्स है वो अब ऑफर कर रही है, तो ऐसे में कंपनी को अभी ऑफर कर देना चाहिए था। बट अभी भी 2021 का मॉडल लॉन्च हो गया है और अभी 2021 में इतनी बाइक सेल हो गई है, बट अभी तक कंपनी ने इसमें कनेक्टिविटी फीचर नहीं दिया है। तो काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ आया था निकल कर कि इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर मिलेगा, वो अभी भी निकल के आ रहा है, बट अभी तक कंपनी ने ऑफर नहीं किया है इसमें। तो वो भी आप एक बोल सकते हैं इसका काफ़ी बड़ा मुझे मतलब एक पॉइंट लगा जो कि मैंने मेंशन कर दिया आपको। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वो है फ्रेंड्स इसकी ब्रेकिंग को लेकर। इसका जो फ्रंट का ब्रेक है, मतलब फ्रंट का डिस्क ब्रेक, उसमें आपको ABS मिल जाता है, बट रेयर का ब्रेक में कंपनी इसमें ABS ऑफर नहीं करती है। अब यहाँ पर भी कंपनी ने क्यों इसमें
रेयर ब्रेक में ABS ऑफर नहीं किया वो मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप R15 को देखते हैं तो वो भी फ्रेंड्स देखा जाए तो लगभग इसी के प्राइस रेंज में आता है। थोड़ा सा इसका आपका जो उसका प्राइसिंग है वो 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा है, तो कंपनी उसमें ऑफर करती है बट इसमें कंपनी ऑफर नहीं करती है। और देखा जाए तो ये भी प्रीमियम सेगमेंट की एक नेकेड बाइक है, तो इसमें कंपनी ऑफर क्यों नहीं करती है। रेयर ब्रेक का जो फीडबैक है वो एकदम अच्छा नहीं है, आपको फील नहीं हो पाता है, मतलब जो ABS का जो काम है वो आपको इसमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंपनी इसमें आपको ABS ऑफर नहीं करती है रेयर ब्रेक में, जो कि कंपनी को करना चाहिए था क्योंकि ये फ्रेंड्स देखा जाए तो कंपनी प्राइसिंग ले रही है तो इसमें ABS कंपनी को ऑफर करना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे मेंशन करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ABS नहीं मिलता है रेयर के टायर पर। अगर हम बात कर लेते हैं जो चौथा पॉइंट मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए वो है फ्रेंड्स इसका हॉर्न का प्लेसमेंट। इसका जो हॉर्न का प्लेसमेंट है वो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं थोड़ा सा, मतलब वो भी मुझे एक इशू लगता है क्योंकि अब जब ट्रैफिक्स वगैरह में राइड करते हैं तो काफ़ी लोगों को आदत नहीं होता है कि मतलब हॉर्न का जो प्लेसमेंट है वो नीचे होता है और इंडिकेटर जो है वो ऊपर होता है। सभी बाइक्स में जनरली अभी जो सेल होती है 150-160 सेगमेंट तक की जो बाइक सेल होती है, बट इसमें कंपनी ने जो है वो हॉर्न को ऊपर कर दिया, इंडिकेटर को नीचे कर दिया। तो अगर आप इसे परचेस करते हैं, अगर आपको आदत हो जाता है धीरे धीरे तब तो ये ठीक है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसे राइड करेंगे तो आपको इशू होगा, थोड़ा दिन आपको लगेगा इसे अडेप्ट करने में कि आपका जो हॉर्न है वो ऊपर है और इंडिकेटर जो है वो नीचे है। काफ़ी टाइम आप ट्रैफिक्स में इसमें क्या है कि आप हॉर्न की जगह इंडिकेटर दबाने लगेंगे, तो ये एक इशू हो सकता है जो कि आपको फेस करना पड़े इसमें जब स्टार्टिंग में आप इस बाइक को परचेस करते हैं उस टाइम पर। तो ये पर्सनली मुझे भी फील हुआ, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़रूरी और एक प्रैक्टिकल बात है जो कि जब तक आप बाइक को परचेज़ नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स एल्युमिनियम स्विंग आर्म। इसमें कंपनी आपको आयरन स्विंग आर्म ऑफर करती है, इसमें आपको कंपनी एल्युमिनियम स्विंग आर्म ऑफर नहीं करती है, जो कि देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि कंपनी आपको थोड़ा सा जो है वो प्राइस कट कर रही है। तो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्राइस कट में ही आता है, कंपनी चाहती तो इसमें आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म ऑफर कर सकती थी, जो कि देखा जाए तो एक अच्छा चीज़ रहता, बाइक थोड़ी और प्रीमियम हो जाती और जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी ऑफर कर रही है एल्युमिनियम स्विंग आर्म उसे यहाँ पे ऑफर कर सकती थी। तो ऐसे तो देखा जाए फ्रेंड्स तो इंटरनेशनल मॉडल के मामले में काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है वो प्राइस कट किया है, बट हम उसके रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहेंगे, हम बस स्विंग आर्म के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि स्विंग आर्म देखा जाए फ्रेंड्स तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंपनी यहाँ पे आपको आयरन का ऑफर कर रही है। और अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको बाकी जो इंटरनेशनल मॉडल है उसमें आपको एल्युमिनियम का स्विंग आर्म मिलता है, जो कि इसमें R15 में भी अगर आप देखते हैं R15 V3 में जो कि इंडियन वेरिएंट है तो उसमें भी आपको एल्युमिनियम का स्विंग आर्म मिल जाता है, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि प्लस पॉइंट है इस बाइक का R15 V3 का। और उसमें मतलब काफ़ी लोग जो है वो एल्युमिनियम स्विंग आर्म के कारण भी उस बाइक को परचेस कर लेते हैं, जो कि कंपनी को ध्यान देना चाहिए और इसमें भी ऑफर करना चाहिए। तो ये सब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है इस बाइक में। और थोड़ा सा फ्रेंड्स कंपनी अगर चाहे तो इसमें आपको LED इंडिकेटर्स वगैरह ऑफर कर सकती है जो कि बाइक को थोड़ा और प्रीमियम बना दे सकता है, जैसे कि अभी अगर आप 150-160 सेगमेंट में अगर दूसरी बाइक्स को देखते हैं तो उसमें आपको मतलब इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो आपको मिल रहा है, मतलब काफ़ी कंपनीज़ अब ऑफर करने लगी है आपका LED में इंडिकेटर्स, जैसे कि आप एक्सट्रीम वगैरह को देख सकते हैं हीरो की, या फिर आप इससे भी आप देख सकते हैं होंडा की हॉर्नेट को भी आप देख सकते हैं, उसमें भी फ्रेंड्स आपको LED में इंडिकेटर सब मिलने लगा है। तो ये सब थोड़ा सा कंपनी को ध्यान देना चाहिए, टाइम टू टाइम थोड़ा अपडेट करना बाइक को ज़रूरी होता है, बट कंपनी ने अभी तक इसे अपडेट नहीं किया, जैसे ही स्टार्टिंग से आ रहा था बस वैसे ही सेल कर रही है। थोड़ा सा बस कलर जो है वो इंटरनेशनल मॉडल वाला उसे कंपनीज अब लॉन्च करना स्टार्ट किए इंडियन वेरिएंट में, बस कलर से चेंज कर रही है, फीचर में कुछ भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता है। तो ये फ्रेंड्स मेरी पर्सनल राय थी, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये वीडियो अच्छा ना लगे और वो कमेंट्स में बोले, बट मैं उनके लिए बस ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये सब बताना ज़रूरी लगा इसीलिए मैंने बता दिया आपको। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको बाइक अच्छी लग रही है और अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप परचेस कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको परचेस नहीं करना है। तो होप करता हूँ आपकी जितने भी डाउट्स होगी इस बाइक के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।